प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि दो दिन पहले ही रवीना टंडन के ऊपर एक जिहादियों की भीड़ ने हमला किया था, तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की दो सशक्त और बहादुर महिलाओं को चर्चा करते हुए, जहां पे आप देखेंगे पत्रकार अंजू पंकजी, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। ये बताइए कि मुंबई में जो दो दिन पहले रवीना टंडन के साथ जो घटना हुई है, वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। अंजू जी, इसी को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। मैं हमेशा, आपको याद होगा, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ये जो हिजाबन होती है ना, ये जिहादन भी होती है। मैं हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखो, मुस्कान को भूलो मत कोई भी। मुस्कान को समर्थन किसका आया था? अलकायदा के चीफ का आया था, चीफ का। कोई लल्लू पंजू, कोई टेररिस्ट आकर के उसके समर्थन में नहीं खड़ा हुआ था। अलकायदा का चीफ उसको समर्थन दिया था। और उसके बाद अभी आप देखो कि वो कितनी लैविश लाइफ में वो हिजाब की फुलझड़ी लगा करके आज वो कहाँ गायब है। मैंने हमेशा भारत के हर एक राज्यों में ये बताने की कोशिश की है कि आप जितने भी हिजाबन को पूरे भरे मेकअप में जो टीवी चैनल की खिड़कियों पर देखते हैं, उनके बात करने के तरीके को पकड़िए, उनके बात करने के तरीके को समझिए। वो बहुत अग्रेशन में बात करती हैं। हम अपने शब्दावली को थोड़ा सा रॉ करते हैं तो हमें अपने अपने आप में बुरा लगने लगता है कि नहीं यार, ये कुछ अच्छा नहीं बोला मैंने। मैं उस शब्द को और भी डिसिप्लिन में और एक अच्छे लिहाज में रख सकती थी, पर वो इंटेंशनली उसी अग्रेशन में अब्यूजिव लैंग्वेज के साथ वो हमें जवाब देती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जितनी हजाबन और जिहादन ये जो खड़ी हुई थी वहां पर, उसको मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ कि वो इंटेंशनली खड़ी थी। और जहां पर रिजवी कॉलेज के पास रवीना टंडन का ठीक ऑपोजिट में उसका घर है, वहां पर कोई भी रेसिडेंशियल हाउस वैसा कॉलोनी वाला नहीं है, अलग अलग सबके बंगलो टाइप के हैं। तो ये हिजाबन और जिहादन वहां पर कर क्या रही थी? रिजवी कॉलेज के ठीक ऑपोजिट फुट पर कर क्या रही थी? तो सेकेंड थिंग इज के रिजवी कॉलेज के पास मैं एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार मैं वहां से गुजरी हूँ, और वहां पर कोई ट्रांसपोर्टेशन का भी सिस्टम नहीं है। रिक्शा जाता और आता है, आप रिक्शा पकड़ सकते हैं वहां से। और वहां पर 9 बजे 10 बजे के बाद कोई उतना दिखता नहीं है, क्योंकि जिनके जिनके बंगले हैं, क्योंकि कॉलेज बंद हो जाता है, और उसके बाद जिनके जिनके बंगले हैं वो अपने पेट्स को लेकर के निकलते हैं 10 के बाद वॉक करने के लिए या रन के लिए, वो रात में निकलते हैं। पर जिस हिसाब से इंटेंशनली और स्ट्रेटेजिकली वो हिजाबन जिहादन वहां पर खड़ी हुई थी, वो इंटेंशनली वहां पर मॉब लिंचिंग करने के लिए खड़ी हुई थी। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, खड़ी जो है वो हिजाबन है, पर उसके बाद वीडियो में देखिएगा अचानक से बहुत सारे मुसलमान मर्द आ जाते हैं, तो मतलब वो छुपे हुए थे। देखिए गाड़ी 10 की स्पीड में होगा, बिल्कुल। और कहा तो ये जा रहा था नाज़िया जी कि गाड़ी ने टक्कर मार दी, रवीना की गाड़ी ने टक्कर मार दी, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखिए, वहां से वो काले बुरखे वाली आकर के गाड़ी के सामने टकराने की कोशिश भी की है, पर गाड़ी टकराई नहीं है। गाड़ी पार्क हो गई आराम से। अब ये चिल्ला चिल्ली करना स्टार्ट किया, पहले ये 3-4 ही नजर आ रही है वीडियो में, है ना। अब आपको मैं दूसरा वीडियो दिखाती हूँ, अब देखिए। Please, I don't want to hold him now. Please, I don't want to hold him now.
ये देखिए ये देखिए, मारो मारो, ये देखिए, ये देखा आपने कैसे मोलेस्ट किया है। आप सोचो कि एक मुंबई में हो रहा है, मुंबई में भी सड़क में सब हो रहा है जी, इतनी बड़ी अभिनेत्री जो अपने घर के पास है, जो जिसकी गाड़ी 10 के स्पीड में चल रही है, जिसने किसी को टक्कर नहीं मारा है, जिसने किसी को हार्म नहीं पहुंचाया है, और उसको छेड़ करके, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ बहुत सारे मंदिरों में जाकर के माथा टेकी है, अपने ट्विटर एक्स पर उन्होंने मोदी जी को समर्थन दिया है, वो हिंदू धर्म को बहुत मानती हैं, वो पाठ पूजा बहुत करती हैं, हमेशा अपने लिबास का भी बहुत ख्याल रवीना टंडन ने रखा है, हमेशा अपने शब्दों का भी ख्याल उन्होंने बहुत रखा है, और 90s की एक बहुत खूबसूरत अभिनेत्री के तौर पर वो अब तक नजर आती रही हैं। अच्छा, इसमें एक हिजाबन जो है वो कह रही है कि माय नोज इज ब्लीडिंग, और जब उसके नोज पर फोकस किया जा रहा है तो कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है। उसके बाद बहुत सारे जब मर्द आ करके रवीना टंडन को मलेस्ट कर रहे हैं, उनके शरीर को भीड़ में गलत तरीके से छू रहे हैं, उनको धक्का दे रहे हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि इधर हाथ मत लगाना, और लेकिन रवीना तुम इधर हाथ मत लगाना, मतलब मेरी महिलाओं को, हिजाबन जिहादन को तुम छू नहीं सकती हो, और रवीना टंडन को मारने के लिए वो लोग कह रहे हैं मार साली को मार, साफ लफ्जों में है मार साली को मार। अब आप सोचो, और जब इन सारी चीजों के बाद जब पुलिस को रवीना टंडन ने ही बुलाया, जब उन्होंने बुलाया तो मोहसिन नाम का एक बुढ़ा जो है वो आकर के कह रहा है कि रवीना टंडन ने अपनी गाड़ी से मेरी माँ को कुचल दिया, उसके बाद कह रहा है मेरी भतीजी को मार करके पीट करके फोड़ दिया, और शराब के नशे में धुत थी। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा उसका वर्क कर गया, उस मोहसिन नाम के आदमी का ये प्रोपेगेंडा वर्क कर गया, और लोगों ने, क्योंकि एक्ट्रेस है, लोगों ने भी कह दिया कि हाँ 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 ये लोग तो पी पा करके रहते ही हैं, पी करके होगी। जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब पुलिस ने उनका उसी वक्त थाना में टेस्ट किया और ड्राइवर का किया, तो ये तो पी के नहीं है, बिल्कुल भी पी के नहीं है। अब ये मोहसिन जो है ये बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग यहाँ पर, अब पुलिस पूछ रही है कि भाई आप ये प्राइवेट एरिया में आप कर क्या रहे थे, यहाँ तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज है, यहाँ तो बंगलोज है, तो आप यहाँ पे कर क्या रहे थे। और जब ये चार पांच हिजाबन और जिहादन खड़ी थी, तब तो आप लोग सीसीटीवी कैमरा में नजर नहीं आ रहे, और फिर अचानक से आप लोग सब एक मॉब बन करके यहाँ पर आ गए। तो वो मोहसिन जो है वो कह रहा है कि मैं तो अपने अपने घर में किसी लड़की का रिश्ता लगाने यहाँ पर आया था, जबकि जिस एरिया में रवीना टंडन का घर है उस एरिया में या तो मॉडल रहती हैं, या तो एक्ट्रेस रहती हैं, या तो टीवी स्टार रहते हैं, और या तो कॉर्पोरेट के लोग, कॉर्पोरेट का पूरा पूरा बिल्डिंग है, और या तो फिर कॉलेज है, उस पूरे एरिया में ही है। और देखिए, पुलिस ने साफ लफ्जों में, मुंबई पुलिस का स्टेटमेंट है कि रवीना एंड हिज ड्राइवर एंड हर ड्राइवर वॉज नॉट ड्रंक, ये पुलिस का डॉक्टर का रिपोर्ट है कि वो लोग ड्रंक नहीं है। अब बात आती है कि देखिए, मुसलमान मर्दों की नजर में ना, मैं इस्लामिक मुसलमानों के बारे में बात कर रही हूँ, मैं संवैधानिक मुसलमानों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हमारे देश में अंजू जी 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, जिसमें 2 करोड़ संवैधानिक मुसलमान रहते हैं, जो ये इतनी ओछी नीची हरकत कभी नहीं कर सकते हैं। जो इस्लामिक मुसलमान है, जो औरंगजेब के फॉलोअर हैं, जो बाबर के फॉलोअर हैं, वो हमेशा उनकी नजरों में औरत अगर बहुत बोल्ड है, औरत अगर बहुत वोकल है, औरत अगर वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती है, औरत अगर वर्कोलिक है, वर्किंग वुमेन है, तो वो शराब पीती होगी, तो वो अय्याशी करती होगी, मतलब उसके ऊपर ये अभद्र एलिगेशंस लगाना, उसके कैरेक्टर को एसेसिनेट करना, ये मुसलमान मर्दों का चरित्र आज से नहीं है, बहुत पुराना है। मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से कि एक बार मैं पार्क स्ट्रीट से आ रही थी पैंटलून से, और वहां पर आते आते डलहौजी के पास एक मुसलमान आदमी के बाइक में मेरी गाड़ी सट गई थी,
और वो उतरते के साथ कहा पी करके आ रही है क्या? और मैंने पुलिस को, जो ट्रैफिक वाला पुलिस होता है, क्योंकि डलहौजी जो है उसमें लाल बाजार हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर है, पूरा कॉर्पोरेट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, तो पुलिस को मैंने बुलाया और मैंने कहा मुझे चेक करो। वो कह रहा है जी। मैंने कहा मुझे चेक करो अभी इसी वक्त। और मेरा ड्राइवर रोहित उस मुस्लिम को, इतनी बड़ी दाढ़ी वाले को पकड़ा रहा, और पुलिस ने जब मुझे चेक किया वो फूंक देने के लिए, वो कहा आपने क्यों करवाया? मैंने कहा इनका कहना है कि मैं ड्रंक हूं, जबकि स्टीयरिंग मेरे हाथ में भी नहीं है, स्टीयरिंग मेरे ड्राइवर के हाथ में है, तो अब मेरे ड्राइवर को भी तुम चेक करो। वो चेक किया है, बोला नहीं आप दोनों में से कोई भी ड्रंक नहीं है, पर आप क्यों कर रही है? मैंने कहा इसका कहना है कि हम लोग। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा भारत की बेटी नाजिया लाई खान जी ने ना सिर्फ इन जिहादियों को बल्कि जो हिजाब के पीछे छुपी जिहादने हैं उनको भी एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे देश में चुनावों के नतीजे आ गए हैं, तो इन नतीजों के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमारे साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।